हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर और आज हम कुछ रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हरा पुदीना होता है उसको स्टोर कैसे करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अक्सर हम जब बाज़ार जाते हैं सब्जियां लेने और हम पुदीना लेते हैं तो पुदीने हम इतना सारा ले आते हैं कि वो पूरा गट्ठा होता है, इतना बड़ा बंडल सा होता है और थोड़ा सा काम आता है और उसे हम फिर ख़राब हो जाता है या सड़ जाता है। तो आज हम पुदीने को स्टोर करना बताऊंगी मैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने पुदीना लिया है डंडियों के साथ है, थोड़ी थोड़ी डंडियाँ हैं। इसकी लंबी लंबी डंडियाँ थी वो मैंने सारी निकाल दी हैं और इसको मैंने सारे अलग करके धो के साफ के रख लिया है मैंने इसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारा पुदीने को धो के अच्छे से साफ करके इसे पत्तियाँ और छोटी छोटी डंडियाँ भी हैं इसके अंदर जो बहुत नरम सी होती हैं वो भी आ जाएं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पकी हुई डंडियाँ हैं तो वो आप ना लें। तो इस तरीके से धो के अलग से इसे रख लें। ये हमारे बहुत काम आता है, ये पराठे में डालें तो बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे, और रायते में काम आता है, चाट मसाला हो गया, या आप गोलगप्पे का पानी हो, या आप ये मल्टीपर्पज़ है ये पुदीना, तो ये पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए कैसे सुखाना है इसे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉटन का एक टावल लिया है, उस टावल को बिछा लेना है और जो हमने पुदीना धो के रखा है साफ करके उसको हमने इस तरीके से टावल पे हमें बिखेर देना है। इस तरीके से अलग अलग हमें पुदीना सारा कर लेना है। अगर टावल पे नहीं डालना तो आप इसे न्यूज़पेपर पे भी सुखा सकते हैं, और इसे ज़्यादा जल्दी हो आपको सुखाने की तो वो माइक्रोवेव में भी आप कर सकते हैं और इसे न्यूज़पेपर पे भी सुखा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से देखिए टावल पे अलग अलग मैंने इसको कर दिया है। ये देखिए पत्तियों को अलग अलग, एक इकट्ठा मत रहने दें इन्हें, क्योंकि जहाँ ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ से इसके पत्ते सारे काले होने लग जाएंगे, ब्लैक हो जाएगा और पाउडर भी अच्छा नहीं बनेगा इसका। और इस तरीके से इसको पत्तियों को अलग अलग कर लें, सब तरीके से अच्छे से देख लें, फैला लें अच्छे से टावल पे, क्योंकि ये इसका मेन प्रोसीजर है। हमने सुखाना है इसको किस तरीके से, यही मेन है। और इस तरीके से इसे बिछा के इसको या तो आप पंखे में सुखाएं, पंखे में ये एक दो दिन लगेंगे इसे, अब तो वैसे ही गर्मियों का मौसम है और धूप भी अच्छी आ रही है, इसको मैं धूप में ही सुखाऊंगी क्योंकि इसे एक दिन की धूप ही बहुत हो जाएगी। अभी इतनी कड़क धूप नहीं है लेकिन धूप अच्छी आ रही है तो इसे आप भी धूप में सुखाएं। इसके ऊपर एक पतला कपड़ा या कोई आपकी दुपट्टा हो या कोई बहुत पतला सा कपड़ा हो कॉटन का, या कोई आपकी चुन्नी हो या दुपट्टा हो, उससे आप इसे ढक के सुखा लें धूप में। एक दिन की धूप में ये सूख जाएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दिन की सिर्फ सुबह डाला था मैंने, और मैंने शाम को उठा लिया पुदीना, और ये देखिए एक दिन की धूप में ये इतना कड़क हो गया है और बहुत और ज़रा सा हो गया है। कितने सारा हमारा पुदीना होता है और ये पाउडर बन के ज़रा सा हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल सूख गया है, क्रिस्पी सा हो गया है, और इसको हमें माइक्रोवेव में करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल सूख चुका है यहाँ पे। ये देखिए मैंने इसको बिना मिक्सी के ही इसका पाउडर बना लेना है, और जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए सूख चुका है। मैंने इसको हाथों की हथेलियों में ही लेके इसका देखिए बहुत जल्दी पाउडर इसका बन जाता है। तो आप इस तरीके से हाथों में ही लेके इसको अच्छे से मसल लें, ये अपने आप पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगा। और मैंने इसे हाथों से ही देखिए क्रश कर दिया है, अच्छे से इसका पाउडर बन जाना है। ये देखिए आप इसको अच्छे से मसल लें इस तरीके से, और ये एक दिन में ही शाम को ये पाउडर बन के ये तैयार हो जाता है। इसमें फ्रेंड छोटी छोटी सी डंडियाँ होंगी जो सूख चुकी हैं, उसे आप निकाल दें, ज़्यादा नहीं है, दो चार होंगी, उसे निकाल के रख दें अलग। और इस तरीके से ये सारा पाउडर हमारा जो पुदीने का है। और एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे पाउडर बनाते बनाते इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, जब आप बनाएंगे तो आप फील ज़रूर करना। और ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। और इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो, इसको आप पराठों में जो मसाला बनाते हैं पराठे का उसमें डालिए, चटपटे पराठे बनके तैयार होंगे। रायते में आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और ये गोलगप्पे का पानी बनता है आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप कैसे भी इसे यूज़ करें, हर तरह से इसमें गुण ही गुण है। तो मैंने यहाँ इसे एक साफ़ कंटेनर में जो कांच का है उसके अंदर मैंने स्टोर करके इसमें रख लिया है। आप भी इस तरीके से
थोड़ी सी मेहनत से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और मल्टीपर्पज चीज़ को कभी भी यूज करें, लच्छा पराठा हो, सिंपल पराठा हो। वीडियो आपको जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ऐसी ही और हेल्दी वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।